हेलो जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ज्योति गर्ग ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ हांडी में कढ़ी। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप हांडी में कढ़ी किस तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना, आपको अपने पुराने टाइम की याद आ जाएगी। पहले टाइम में मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनता था। तो इसके लिए हमें चाहिएगी दही। तो ये मैंने चार जनों के हिसाब से इतनी दही बहुत रहेगी, तो ये वाली दही ले लेती हूँ और हांडी में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालकर इसको सब इसमें डाल दूँगी। हांडी में आधा चम्मच हल्दी और गरम मसाला डालेंगे। अभी इसमें ये दो चम्मच बेसन भी डालेंगे। तो अभी इसको मथनी से अच्छे से मथ लेते हैं। हम लोग वैसे इसे रई बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट्स में मुझे बताना। तो बिल्कुल अच्छे से इसको पहले मैं मथ लेती हूँ। तो दही हमारी बिल्कुल मथ चुकी है। तो अभी आप इसी स्टेज पर आप देख लीजिए कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो उससे हल्का सा पानी आप इसमें और डाल दीजिए। मिक्स कर लेते हैं। और अब हांडी को गैस पर रख देते हैं। तो हांडी गैस पर रख दी है और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। अभी नमक इसमें हम बाद में डालेंगे, क्योंकि नमक अगर हमने पहले डाल देते हैं कढ़ी में तो फिर हमारी कढ़ी के फटने का चांस रहता है। तो नमक हमें लास्ट में ही डालना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास हांडी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी बर्तन में बना लीजिए। ये तो बस मैं बता रही हूँ कि हांडी में किस तरीके से बना सकते हैं। तो इसको जब तक चलाना होता है जब तक कि इसमें बॉईल ना आ जाए। एक बार जब इसमें बॉईल आ जाएगा फिर आप इसका चलाना छोड़ सकते हो, तो फिर आपकी कढ़ी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो बीच में एक दो बार और चला देती हूँ, क्योंकि इसमें अभी बॉईल नहीं आया है। और इधर मैंने ये कढ़ाई रख दी है मिट्टी की, और इसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया पकौड़े बनाने के लिए, क्योंकि जो डिश बन रही है वो कढ़ी पकौड़ा बन रही है। तो पकौड़े बनाने के लिए मैंने बेसन ले लिया है। तो बहुत ही सॉफ्ट पकौड़े किस तरीके से बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें डालेंगे हल्का सा नमक, इतना बहुत है। तो अभी इसका एक पेस्ट बनाना है। तो अभी पानी डालकर इसका एक पेस्ट बनाना है। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इन्हें हम सॉफ्ट पकौड़े बना सकते हैं। बस हमें क्या करना होता है कि इसको अच्छे से फैटना होता है। इसे फैटेंगे तो फिर बहुत सॉफ्ट पकौड़े बनेंगे। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छे से फैट कर इस तरीके का पेस्ट बना लीजिए। कढ़ी में भी बॉईल आ चुका है तो अब इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा तेल भी गर्म हो गया है, तो अभी हम इसमें ये पकौड़े बनाते हैं। तो छोटे छोटे आपको जितने बड़े छोटे बड़े जितने भी डालने हैं वो इस तरीके से आप डालते रहिए। तो सारी पकोड़े डाल लिए हैं, अब इनको सेक लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। तो अभी अलट पलट करते हुए इनको सेकेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मसालों का ही फ्लेवर आता है, बर्तनों का भी एक अपना फ्लेवर आता है। पहले के टाइम में इसी तरीके से खाना बनता था। तो अभी हम इसमें नमक डालेंगे, ये पौना चम्मच, और इसमें हल्का सा ये सौंठ डालेंगे, जो कि ये अदरक का ड्राई पाउडर होता है। इनको मिक्स कर लेते हैं। तो ये पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस बाउल में मैंने पानी लिया है और ये पकोड़े बन गए हैं। तो अभी हम और ठंडे भी हो गए हैं, तो अभी हम इनको पानी में थोड़ी सी देर के लिए भिगाएंगे। में भिगोने से क्या होता है, एक तो एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है और दूसरा ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो तड़के की तैयारी करते हैं। इसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा तेल डाल दिया है। डालेंगे मेथी,
जीरा आधी चम्मच, हींग वन पिंच, मिक्स कर लेते हैं। दो साबुत लाल मिर्च, इनको भी अच्छे से भूनेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च, तो ये कढ़ी बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुकी है, गैस बंद कर देंगे। ये दो हरी मिर्च भी डाल देती हूँ और अभी मैं ये वाली कढ़ी इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो अब इसको चला लेते हैं। तो अभी इसमें डालेंगे हरा धनिया, फ्रेंड्स आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, अगर आपके पास हांडी है तो बहुत ही यम्मी ये कढ़ी लगेगी आपको। तो थोड़ी सी देर इसको और पकने देते हैं। तो पकोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए, तो इनको निचोड़कर एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से निचोड़कर एक प्लेट में रख लीजिए, फिर हम इन्हें कढ़ी में डाल देंगे। तो अब ये देखिए बॉईल हो चुकी है और इसमें अभी मैं ये सारे पकोड़े भी डाल दूंगी। थोड़ी सी देर के लिए इसे और पकाएंगे, जिससे कि पकोड़ों के अंदर मतलब कि कढ़ी चली जाए। तो कढ़ी बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गई है, तो अभी हम गैस बंद कर देंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए गैस बंद कर देती हूँ। तो अभी मैं गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। ये देखिए अभी गैस बंद है, लेकिन मिट्टी के बर्तन क्या होता है, थोड़ी देर से ठंडे होते हैं, तो अभी भी उसमें बॉईल आया हुआ है। तो मिट्टी के बर्तनों की एक ये खासियत होती है कि उनको थोड़ा सा गर्म होने में भी टाइम लगता है और फिर ठंडा होने में भी। तो चलिए कढ़ी बनकर हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, अभी मैं प्लेट आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो प्लेट लग चुकी है, ये देखिए आज मैंने इस तरीके से प्लेट लगाई है। तो आप भी इस तरीके से बनाइए फ्रेंड्स कढ़ी चावल। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पकोड़े भी कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए कितने आराम से ये फूट गए हैं, ये देखिए। तो बहुत ही यम्मी बने हैं कढ़ी चावल, ये भी देखिए कितने आराम से फूट गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, 1% भी अगर पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।